साथियों, आज दिल्ली में जो राज्य सरकार है वो यहां की सबसे बड़ी समस्या से आंख मूंद कर बैठी है। ये समस्या है पीने के पानी की। इन लोगों की माने तो पूरी दिल्ली में हर जगह बिस्लेरी का ही पानी जैसे मिलता है, साफ मिलता है, हर घर में बिल्कुल साफ पानी आता है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली सरकार के वादे से आप सहमत हो? उनकी बातों से सहमत हो? क्या सचमुच में आपको साफ सुथरा शुद्ध पानी मिलता है? आपको पानी देख करके चिंता होती है कि नहीं होती है? बीमारी का डर लगता है कि नहीं लगता है? ये आपको भी झूठ कह रहे हैं, आपको भी झूठा बता रहे हैं। आप बताइए दिल्लीवासी, क्या आप झूठे हैं? क्या आप बेईमान हैं? कैसे आरोप देश के नागरिकों पर लगा रहे हैं? दिल्ली के लोगों से जो कुछ भी बोला गया है उसकी सच्चाई दिल्ली के लोग हर रोज देख रहे हैं। साथियों, सच्चाई यह है कि आज दिल्ली में देश भर में सबसे अधिक वाटर प्यूरिफायर यानी कि पानी को शुद्ध करने वाली मशीनें रोजाना बिकती हैं। लोग ये खर्चा क्यों करने पड़ रहे हैं भैया? जो वाटर प्यूरिफायर नहीं लगा सकता वो 40-50 रुपए की बोतल खरीदता है या फिर उसे मजबूरी में प्रदूषित पानी से काम चलाना पड़ता है। अधिकांश जगहों पर नल से या तो पानी आता ही नहीं है और जो पानी आता भी है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। और ये लोग कहते हैं दिल्ली में पानी की गंदगी कोई दिक्कत ही नहीं है।